नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आप सभी साथी जानते हो कि क्या इस बार बीएसटीसी के अंदर क्या इन सवालों के सभी के सवाल रहते हैं। विद्यार्थी कह रहा है, बार बार कमेंट कर रहा है कि सिलेबस में बदलाव होगा क्या सर? नहीं, इस पर भी चर्चा करते हैं। नेगेटिव मार्किंग इस बार क्या होने वाली है? क्योंकि अखबार के अंदर अगर कोई कटिंग कटिंग आ जाती है ना, तो उसके बाद विद्यार्थी सोचता है कि हाँ, अखबार के अंदर आ गई तो इसका मतलब होने वाली है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सही अपने नहीं पढ़ते। अब बार बार प्रश्न आता है कि हम चार भागों में हमेशा पेपर होता है, तो ये कितने भागों में पेपर होगा गुरुजी? क्या चार पेपर मिलेंगे? नहीं। सब सवालों के जवाब मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं। जैसा आप सभी साथी जानते हो, एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी क्लासे लगातार अपनी चली रही है। ये देखो, 376 डीएल कॉलेजों में 25,000 सीटें, आरक्षित वर्ग को 5% की क्या रहेगी, छूट रहेगी। यानी कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 12वीं में 50% अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी होंगे पात्र। यानी कि जिसके 12वीं में 50% अंक है, वो इसको फॉर्म भर सकता है बीएसटीसी का। और 28 साल से पहले, यानी 28 साल से ऊपर उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। एक विद्यार्थी पूछता है कि क्या अगर मैंने तो 12वीं पास किया, मेरी तो उम्र 16 साल ही है, क्या मैं भर सकता हूँ? बिल्कुल, आप 12वीं पास है तो इसका मतलब फॉर्म भर सकते हो। उम्र इसमें 18 साल होनी जरूरी नहीं है। आप 12वीं पास है तो चाहे आप 16 के हो चाहे 15 के हो, आप फॉर्म भर सकते हो। चार भागों में होगा प्रश्न पत्र, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चार भागों का मतलब क्या होता है? चार भागों का मतलब ये समझिए, 600 अंक का पेपर होने वाला है। बिल्कुल गुरुजी, प्रत्येक पर्सन है वो प्रत्येक पर्सन आएंगे 200, और प्रत्येक पर्सन का 3 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे आपको? 3 अंक आपको मिलेंगे। इसमें क्या है कि 600 अंकों के पेपर में 200 पर्सन हल करने होंगे। सभी पर्सन बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि ए बी सी डी मिलेंगे आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50% राजस्थानी जीके के पूछे जाएंगे, 50% मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और 50% शिक्षण अभिक्षमता के होंगे। यानी पेपर एक ही मिलेगा, उसके अंदर चार भाग हैं। फिर उसके अंदर है कि चौथे खंड में हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत के कुल 50% होंगे, जिसमें अंग्रेजी के तो 20 करने ही करने पड़ेंगे, और जिसके पास में संस्कृत विषय नहीं रहा है 12वीं क्लास के अंदर, वो हिंदी वाले पर्सन करेगा, और जिसके पास संस्कृत रहे हैं और वो संस्कृत पाठ्यक्रम से रहा है स्पेशल से, तो वो आराम से संस्कृत के 30% करेगा। ठीक है, उसके बाद में भाई 7 दिन पहले प्रवेश पत्र मिलेंगे। क्या तारीख आगे जाएगी? नहीं जाएगी, साफ तरीके से लिखा हुआ है। 30 जून को परीक्षा होगी। आवेदन करने वाले प्री परीक्षा की तिथि में 7 दिन पहले प्रवेश पत्र उपलब्ध होंगे। प्रवेश परीक्षा की अधिकतम 5% सीटें राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। 5% बाहर के राज्य वाले जो विद्यार्थी है वो आएंगे इसमें। यानी कि इसका जो एग्जाम है, 31 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 30 जून को आपका एग्जाम है। अब आपके सारे सवालों का इसके अंदर जवाब मिल जाएगा आप सभी साथियों को। जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से होगी, 28 वर्ष से आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 से अगर उसकी 28 वर्ष से अधिक है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, और अगर आप उम्र 15 ही साल है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो बीएसटीसी का, ये ध्यान रहे, है ना? क्योंकि इसके भी कमेंट मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं पिछले वीडियो में कि मेरी तो उम्र इतनी है। उम्र कोई मायने नहीं है इसमें, 28 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। आप चाहे 12वीं पास, चाहे लगातार 1, 2, 3, 4 चौथी क्लास 7 में कर ली, 5वीं, 6ठी, 7वीं सागर कर ली, थारी उम्र 12 साल ही है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, हाँ, 376 डीएलडी कॉलेज होंगे जिसमें 25,000 सीटें हैं इस बार, है ना? तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। गुरुजी, हम इसमें बेहतरीन तैयारी कैसे करें? नेगेटिव मार्किंग है नहीं, शिक्षण अभिक्षमता वाले में अभी तक कोई क्लियर नहीं किया है इसके अंदर। अब एक विद्यार्थी का यह भी सवाल है कि पेपर साथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि पेपर साथ में मिलेगा। उसके लिए मैं अलग से आपको पूर्णतः जानकारी जरूर दूंगा जब तक मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ लेता। बाकी मैंने आप सभी को बता दिया, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन, तो इसके ऊपर, इस बुक के ऊपर कल क्या रहेगा, कल पूरे दिन ऑफर रहेगा। यानी ये जो बुक है, जो आपको 280 रुपए में घर पर पहुंचाई जा रही थी, इसे 230 रुपए में कल से घर पर पहुंचा दिया जाएगा, और कल कल इस बुक के ऊपर बेहतरीन ऑफर रहेगा, ये ध्यान रहे, मैं अभी बता देता हूं। बाकी 99 वाला अपना जादुई बेंच है वो अपना क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है, ये आप सभी को मैं बता रहा हूं, है ना? ये 99 वाला अपना शुरू हो गया है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं इस बुक के ऊपर कल ऑफर रहेगा, आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। गुरुजी, इस बुक की क्या विशेष बातें हैं बीएसटीसी वाले की, इसका रिव्यू है मैं अभी दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे करना है कि आप 230 में ये बुक घर पर पहुंच जाए, तो उसके लिए मैं बेहतरीन जानकारी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो कल ही दे देंगे, आप चिंता ना करें कदापि भी, है ना? क्योंकि इसके अंदर हमें, इसके अंदर जो 90
वाले विद्यार्थी हैं इस कोर्स के, इसमें भी कोई प्रकार से ऑफर जोड़ेंगे ताकि अपने क्या हो कि भाई सभी साथियों के लिए क्या रहे कि ये बुक है वो आपके घर तक पहुंच जाए और आप नाम मात्र शुल्क के साथ ऑनलाइन भी पढ़ सको और घर पर आप इस बुक को भी पढ़ सको, है ना। ये मैंने आप सभी को बता दिया, बाकी जो भी प्रश्न थे आप सभी साथियों के वो मैं आपको बता देता हूं, वो सारे सवालों का मेरे हिसाब से जवाब मिल गया होगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, जो सिलेबस था आपका वही रहने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कितने भागों में होगा वो तो चार भाग आए ही आएंगे, ए बे सै द, यानी ए में जीके आ गया, बे में रीजनिंग आ जाएगी, सै के अंदर शिक्षण अभिरुचि आ जाएगी, द में हिंदी और अंग्रेजी या संस्कृत आ जाएगी, ठीक है, ये रहेगी। बाकी समय समय पर हम जानकारी देते रहते हैं, आप टेलीग्राम के ऊपर बने रहिएगा जीके गजान सर, जहां पर आपको समय समय पर पूरी जानकारियां आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसी नाम से अपना यूट्यूब, इसी नाम से अपना चैनल है, आप सभी साथी ज्वाइन कर सकते हो। जिन विद्यार्थियों के पास बीएसटीसी वाली बुक पहुंच चुकी है वो मेरे को इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा ना, अपनी बुक सहित फोटो अपने इन नंबरों पर क्या करनी है आपको व्हाट्सअप करनी है, ध्यान रहे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो सभी साथियों के मेरे हिसाब से ये क्लियर बातें समझ में आ गई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खमा गणेशा, सारंद राम राम।